मेरी मैं हमारे जहाँ पे भी हम रहते थे तो मेरा कज़न ना मेरी दादी से मिलने आता था रोज़, मतलब ऐसे आते थे चाय शाय पीने के लिए। तो एक ने कज़न है रोज़ आना और मैंने उसको रोज़ बोला सेम स्कूटर था उसकी, ठीक है मैं यार लवली भाई प्लीज मुझे दो ना यार, एक चक्कर मारना यार, इतना नहीं देना यार। रोज पड़ता था पीछे में, रोज मतलब रोज महीना ये बात चली है के लिए। उसने रोज आना भाई रोज। अम्मी का क्या हाल है, अम्मी का क्या हाल है करते। तो दोनों भाई आए एक दिन, तो मैं क्या मेरे का लवली भाई स्कूटर का चक्कर मारना, और क्या था मतलब मुझे क्या ऊपर गली में लगे तो ये यू टर्न मार के मुझे वापस खड़ा करना है, ये चक्कर था मेरा। मैं क्या कहता यार आसिम, उसने उस दिन गलती होगी बेचारे को, कहता ये ले चाबी देख मैं पूरा स्कूटर नया करवा के आया हूँ। अच्छा कोई काम शाम कराया उसने, बैठ मेरे के चाबी लग गई। मैंने स्कूटर उठाया, मैं गया, मैं ऊपर निकल गया, मैंने फुल रेस दी, सुनना फुल रेस ही चौथा गियर नीचे होता है दे रहा हूँ। आगे से एक स्कूटर एक बाइक आई, उसका और मेरा हैंडल बार टच हुआ है, तू सोच इस स्कूटर के दो हिस्से हो गए। भाई जब मेरी आंख आधा हो गया, जब मेरी आंख खुली है तो हेड मेरे ऐसे पड़ा स्कूटर का टच। और बंदा भी कौन था जो ऑटो वाला था ना मेरे स्कूल का, वो था फिर मुन्ना जो जो कहता आसिम वहां। अभी सोच मैं यहाँ से थोड़ा मतलब एक किलोमीटर दूर आ गया हूँ, तो अब क्या एक कजन जो मुझे वो ढूंढने निकल गया आसिम कहाँ गया, तो एक आया ऐसे ऐसे तो पुलिस वुलिस आ गई, लोग रुक गए यार, मतलब बड़ा मैं नहीं रो रहा मैं डर गया, रोया घंटा रोया। मैं गया तो ऊपर लकी आ रहा है ऐसे मेरे पास सामने, तो मैं लकी यार स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया ये हो गया, तो क्या उसको लगा ऐसे छोटा मोटा। तो जैसे उसने मोड़ काटा तो देखा दूर से कि पुलिस है, कहता ये तो बड़ा चक्कर हो गया पुलिस स्कूटर देगा स्कूटर के दो हिस्से, कहता लवली तुझे मार देगा। मैं पहुंचा ऊपर से वो आ रहा हेलमेट लेके, जा रहा था कहीं खाली हेलमेट लेके, सट मानी किधर है स्कूटर किधर है।